वहीं चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कृषि उपज मंडी में मतदान केंद्र पर वोट दिया। आक्या ने सभी लोगों से वोट करने की अपील की है। इस दौरान उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने, आप भी सुनिए वो क्या कुछ कहते सुनाई दी। लोकसभा चुनाव के लिए द्वितीय चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है और हमारे साथ हैं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जानने की कोशिश करेंगे। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के ऊपर सबकी नजरें, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किधर जा रहे हैं चंद्रभान सिंह? सबसे पहले तो मैं सब मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इस मतदान को आप सफल बनाएं। मतदान करना सब लोगों को अनिवार्य है और महापर्व है। जिस प्रकार सब प्रशासनिक अधिकारी भी वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लगे हुए हैं और सभी पार्टियों के पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, सबसे पहले ज़्यादा वोट करें। और मैं तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का था और मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय होते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भाई सी पी जोशी से 1.5 महीने से साथ लगा हुआ हूँ और मेरे जितने भी समर्थक हैं सब लोगों से मैं अपील करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आप भारतीय जनता पार्टी को मेरे बड़े भाई सीपी जोशी जी को जिताएं। आप राजपूत समाज से आते हैं और हाल ही में गुजरात में रूपाला का जो विरोध हुआ टिकट काटने को लेकर के, उसमें राजपूत समाज ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार भी करेंगे, कई जगह इस प्रकार की बातें आई। चंद्रभान सिंह आक्या कहाँ खड़े हैं इस विरोध को लेकर? रूपाला जी ने जो कहा है, अब जाने में कहा अनजाने में कहा, कैसे जो कहा है, मेरा तो यही सोचना है कि अब समाज को इस बात को लेकर माफ़ कर देना चाहिए। कभी किसी आदमी से भूलवश कोई कहना हो जाता है, इस बात को लेकर इतना बड़ा नहीं हो। मैं तो सब समाज से, सब जो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, माफ़ी मांगने के बाद बड़ा दिल रख के माफ़ करना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं लोग उठाते हैं, मतदाता के मन में भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या किस तरह से उन मुद्दों को निपटने के लिए अपील करेंगे वोट की? मुद्दे होते हैं, सब कुछ होते हैं, जो विचारधारा को देखना चाहिए। जिस प्रकार मोदी जी ने 10 साल तक काम किया है, मोदी जी के कार्यों को देखना चाहिए और जिस प्रकार का देश में अमूलचूल परिवर्तन आया है, अमूलचूल परिवर्तन देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उसी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय भले ही हैं, लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया है और फिर उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि प्रथम चरण में कम मतदान हुआ है, लेकिन दूसरे चरण में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर मतदाताओं को घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।